वेलकम टू गीक्सटा गीक्स। आज हम देखेंगे मॉड और मॉडुलर प्रॉपर्टीज़ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसका यूज़ मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझाना चाहता हूं। तो मैं आपको हर प्रॉपर्टी पहले समझाऊंगा, उसके बाद उसकी एडिशनल लिंक्स भी दे दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन देख सकते हो और डीप थ्योरी भी देख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी मॉड में जो है वो ये है कि मॉड निकालते कैसे हैं। तो मॉड निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर हम 11% 2 लिखें तो ये परसेंट का मतलब होता है मॉड। 11 मॉड 2 का मतलब होता है कि 11 डिवाइड 2 करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा वही हमारा मॉड का रिजल्ट होगा। जैसे हमने 2 डिवाइड 11 किया, रिमाइंडर 1 आया, तो 11 मॉड 2 रिजल्ट 1 आएगा। पहली प्रॉपर्टी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी है। अगर हम a प्लस बी मॉड सी करते हैं तो हमें रिजल्ट में a मॉड सी प्लस बी मॉड सी होल का मॉड सी मिलता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, 14 प्लस 17 मॉड 5 करते हैं तो 14 प्लस 17 31, 31 मॉड 5 रिमाइंडर 1, ठीक है। देन हम अब देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a मॉड सी प्लस बी मॉड सी, 14 मॉड 5, 17 मॉड 5 मॉड होल मॉड 5, इसका रिमाइंडर 4, इसका 17 मॉड 5 का रिमाइंडर 2, होल मॉड 5, आंसर में 1। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और मेरे ब्लॉग पे भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी सेम ही है, a माइनस बी मॉड सी इज इक्वल टू a मॉड सी माइनस बी मॉड सी होल मॉड सी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा कि a स्टार b मॉड c अगर हम करते हैं तो उसके बराबर हमें मिलेगा a मॉड c स्टार b मॉड c होल मॉड c। जैसे हम एग्जांपल भी एक देख सकते हैं, सिंपल सा 4 स्टार 7 मॉड 6 इज इक्वल टू 28 मॉड 6 आंसर रिमाइंडर 4। और अगर हम इसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो a मॉड c और b मॉड c का रिमाइंडर, मतलब 4 मॉड 6 7 मॉड 6 का रिमाइंडर 4 एंड 1 स्टार मल्टीप्लीकाई हुआ 4, 4 मॉड 6 इज इक्वल टू 4। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। अगर आप ये सोच रहे हैं a डिवाइड b मॉड m इक्वल होगा a मॉड m डिवाइड b मॉड m होल मॉड m, गलत, ये गलत है, ये नॉट इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा डिवाइड में हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ढूंढा गया कि इसको कैसे करा जाए। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पर हम b को इन्वर्स ले लेंगे, क्योंकि b डिवाइड में है तो हम b को b की पावर माइनस 1 इन्वर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड m। तो इसका रिजल्ट होगा a mod m star b inverse mod m mod m। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि b का इन्वर्स तो b डिवाइड a डिवाइड b, मतलब कि 1 अपॉन b ही होगा। नहीं, मॉड में इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। मॉड में b इन्वर्स नॉट इक्वल होता है 1 बाई बी के इस, ठीक है। जैसे 2 है, एक एग्जांपल लिया 2 है, तो मॉड इन्वर्स में 2 का 1 अपॉन 2 का इन्वर्स जो आएगा वो 0.5 नहीं होगा। ऐसा मॉड में ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्यों नहीं होता? अगर हम मॉड में लेते हैं तो मान लिया हमने b इन्वर्स इज इक्वल टू x है, तो b इन्वर्स x इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि हमारा ये हो गया b और इनटू इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स कितना, b का रेसिप्रोकल 2, तो ये हो जाएगा 1। पर मॉड अगर हम इधर बोथ साइड मॉड ले लें तो b इंटू एक्स मॉड p इक्वल्स हो जाएगा 1 मॉड p। p को 1 बस नहीं होना है, p नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हुआ, कुछ भी मतलब कि, और 0 के भी नॉट इक्वल होना चाहिए, 0 के भी, उसके अलावा कुछ भी होता है तो मॉड अगर हम बोथ साइड ले लेते हैं मॉड, तो b इंटू एक्स मॉड p इज इक्वल टू 1। क्यों? जैसे कि 1 मॉड 7 इज इक्वल टू 1, इस तरह से कोई 8 हो 6 हो कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें b की वैल्यू 4 है और मॉड 7 है हमारे पास, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? हमें पता है कि रिजल्ट में b का जो इन्वर्स जो मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्ट मॉड करने के बाद 1 आना चाहिए, तो 2, 4 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 8 हो जाएगा और 8 मॉड 7 इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिसका मल्टीप्लाई करें और मॉड निकालने पे 1 आए। तो
मॉड प्रॉपर्टी में इनवर्स असल में एक इंटीजर बन जाता है, ना कि डेसिमल रहता है। वो एक डेसिमल नहीं रहता, एक इंटीजर बन जाता है मॉड में। नाउ हमें ये देखना है कि कोड में इसको किस तरह से फाइंड करें। कोड में लॉजिक ये होगा कि अगर हम एक्स से लेके, मतलब एक्स हमारा जो स्टार्टिंग में हम वन बनाएं, वन से लेके एम के लेस देन चले, तो हमेशा हमें एक मॉड की वैल्यू 100% मिल जाएगी। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंटीजर ए लिया जिसका हमें इनवर्स निकालना है, और मॉड एल लिया। ए इज इक्वल टू ए मॉड एम किया, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें बाद में एक्स का भी उसमें मॉड करके रिजल्ट वन आना चाहिए। तो हमने एक्स इज इक्वल टू वन डिक्लेयर किया, एक्स लेस देन एम कर दिया एक्स प्लस प्लस। तो वन से लेके एम के बीच में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो 100% वन बना देगी, मतलब एक इनवर्स हमें 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो उसका कोड हो गया। और डीप में पढ़ना है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, जो आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस ये है कि जैसे हमें कुछ बड़ी वैल्यूज़ का को कैलकुलेट करना हो, बड़ी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना हो, तो हम उधर पे इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कुछ इतनी बड़ी इंटीजर वैल्यूज़ हैं कि जो हमारे अनसाइंड लॉन्ग में भी सेव ना हो, उसमें भी इस वेरिएबल में भी अगर सेव ना हो, तो हमें मॉड यूज़ करना पड़ेगा। हम रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर से हमारे पास नंबर है ही, और इससे हमने रिमाइंडर निकाला है जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था, तो हमें पता चल जाएगा कि असल में रिजल्ट क्या आएगा। तो हम रिमाइंडर से काम चला लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास n कोई नंबर है और p हमारा मॉड है, जैसे हमें मॉड निकालना है, तो उसका आउटपुट 3 आएगा, क्योंकि हम इसका फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकाला, ठीक है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 120 आएगा, 120 मॉड 13 3 होगा। पर हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और 5 का मॉड 13, 4 मॉड 13, इसके साथ मॉड निकालेंगे, 4 के साथ 13 का मॉड निकालेंगे, 2 के साथ 13 का मॉड निकालेंगे, फिर 3 के साथ 3 छोड़ दिया सॉरी मॉड निकालेंगे, और लास्ट में जब उसका सबका मॉड निकल आएगा, फिर से अपन एक बार और मॉड निकाल लेंगे, तो हमें इससे रिजल्ट मिल जाएगा, वो 3 ही आएगा। मान के चलो यहाँ पे कोई फैक्टोरियल 100 का निकालना होता, 100 नहीं मैं कह रहा 2000 का निकालना होता, उसका फैक्टोरियल कितना बड़ा वैल्यू हो जाती, वो हमारे अनसाइंड लॉन्ग में सेव ही नहीं होती। तो हम क्या करते, उनका रिमाइंडर निकाल के सबका प्रोडक्ट करते और लास्ट में 13 से ही उसको मॉड निकाल लेते, जिससे हमें एक रिमाइंडर मिल जाता और हमारे लिए वो कैलकुलेशन करना सिंपल हो जाती, और रिमाइंडर से हम अंदाज़ा लगा लेते कि रिजल्ट क्या होगा। सेकेंड यूज़ ये है कि हमारे पास जैसे कि ए बी सी तीन बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं जिनका मल्टीप्लाई करना, पर ये वैल्यूज़ भी अनसाइंड लॉन्ग में सेव नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे, पर ऐसे बड़े नंबर से लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर हो और एक बड़ा छोटा रिमाइंडर दे, और एक ऐसा रिमाइंडर दे जो थोड़ा यूनिक निकले हर बार। तो अपन ने इसको एक बड़े वैल्यू नंबर से डिवाइड किया जिससे हमें इसकी कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और हम इसका रिमाइंडर को पिछली वाली की तरह रिमाइंडर को बस रिजल्ट मानेंगे। यहाँ पे हम उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। जो हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज़ थी, बिग वैल्यूज़ थी जिनका हमने मल्टीप्लाई किया, उनका रिजल्ट इतना बड़ा आया, पर इतने बड़े रिजल्ट को हम सेव नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको बड़ी वैल्यू से मॉड निकाल लिया और उसका रिमाइंडर आया इतना। तो इतने से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर असल में ये होगा, वो हम डिवाइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, डिवाइड और कोशेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो उससे रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। आप इसके यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं और नीचे उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड और एक आखिरी जो यूज़ है, जैसे बड़ी वैल्यूज़ का हमें रिमाइंडर निकालना है, जैसे 2 की पावर 53 का रिमाइंडर निकालना है कि जो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मॉड प्रॉपर्टी यूज़ करके हम रिमाइंडर तुरंत निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है 2 की पावर 3 = 8 होगा और 8 mod 7 = 1 आएगा। तो हमने क्या किया कि 2 की पावर 3 और उसकी और ब्रैकेट में उसकी पावर 17, असल में 2 की पावर 51, मतलब कि 53 - 51 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 की 2 पावर बची, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1। तो हमने ये किया, ये
और ये 2 की पावर 2 अलग कर लिया, तो ये पूरा पार्ट हो गया 1, ठीक है, और 2 की पावर mod 7 बचा, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। तो ये मैथ्स में भी इसका कुछ थोड़ा सा यूज़ है और इसको हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। ये कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरीज मैंने आपको लिंक दी है, आप जाके थोड़ा आप डेप्थ में और पढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉड्यूलर के। मैंने यहाँ पे आपको 4 लिंक्स दी रखी है, यहाँ पे इस थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग में काफ़ी डेप्थ में बताया गया है और ये एक थ्योरम है जो मॉड में बहुत यूज़ होती है, आप इसको भी जाके डेप्थ में देख सकते हैं, बहुत छोटी सी थ्योरम और ईजी भी है। इसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रामिंग थ्योरीज को समझने के लिए और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए प्रोग्रामिंग में आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.